सबको पैसे की इंपॉर्टेंस तो पता है। क्या आप में से कोई भी है जो डेली उठ करके सुबह अपने पैसे को आग लगाता है? एनीबॉडी? कोई तो पागल होगा यहां पर। कोई नहीं है। पैसे की वैल्यू हमको पता है। 100-100 रुपए बचाने के लिए पता नहीं कितने धक्के खाते हैं, अपना कितना टाइम खराब कर देते हैं। पैसे की वैल्यू हम सबको पता है, वो किसी को भी सिखाने की जरूरत नहीं है। टाइम की वैल्यू हमको पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि हमारी विजन बहुत ही शॉर्ट टर्म है। अगर विजन लॉन्ग टर्म हो जाए तो हम समझ सकते हैं कि एक्चुअल में हमारे लिए टाइम की क्या वैल्यू है। जैसे आज अगर आप स्टूडेंट हो, मान लो पढ़ाई कर रहे हो, तो आज एक्चुअल में अभी स्टेज में आपके लिए टाइम की क्या वैल्यू है? कुछ भी नहीं है। अगर टाइम वेस्ट करते भी हो तो क्या हो जाएगा? अगर फाइनेंशियली देखा जाए तो क्या लॉस हो रहा है आपको? अगर आप अपना टाइम खराब करते हो तो ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में नंबर कम आ जाएंगे, बस खत्म। अगर मैं अगले 1-2 साल, 3 साल या 4 साल तक की बात करूं तो इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं चला जाएगा ना हमारा। लेकिन अगर इसी विजन को हम लॉन्ग टर्म कर दें कि आज जो आप टाइम खराब कर रहे हो उसकी वजह से अगले 10 साल में या 20 साल में आपका कितने का नुकसान होने वाला है, 10 साल बाद आप में से कितने लोग हैं जो फाइनेंशियली अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं? सारे ही चाहते हैं। अच्छे पैसे की डेफिनेशन क्या है आज के टाइम में? क्या 5,000 रुपए महीना अच्छा पैसा है? अच्छा पैसे का मतलब क्या? हाँ, लाख रुपए महीना चलो मान लेते हैं, इसी को हम एक बेंचमार्क पकड़ लेते हैं। कितने हैं आप में से जो अगले 10 साल बाद लाख रुपए महीने का कमाना चाहते हैं और उनको अंदर से लगता है कि वो कमा सकते हैं? कितने हैं जो ये कहते हैं कि अगले 10 साल बाद अगर मैं महीने का 50,000 रुपए भी कमा रहा होऊंगा तो बहुत है? कितने ऐसे हैं जो कहते हैं कि अगले 10 साल बाद अगर मेरे को 20,000 रुपए महीने का भी आ जाए, 10 साल बाद की बात हो रही है, तब तक इन्फ्लेशन भी बढ़ चुकी होगी, महंगाई बढ़ चुकी होगी, हर चीज महंगी हो चुकी होगी। अब कितने हैं जो कहते हैं कि अगले 10 साल बाद अगर मेरे को 20,000 रुपए महीने का भी आ जाए तो बहुत है? कोई नहीं चाहता। सब अंदर से क्या चाहते हैं कि लाख रुपए महीने का है। बट कड़वा सच क्या है? बेस्ड अपॉन स्टैटिस्टिक्स, जीरो। ये कोई कुछ भी चाहता रहे, नहीं जीरो नहीं, जीरो कहां से आ गया? बेस्ड अपॉन स्टैटिस्टिक्स कि हमें पता है कि कितने लोग कितना कमाते हैं, उसके बेस पे अगर हम एक सेग्रीगेशन करें कि इंडिया में कितने लोग हैं, किस किस तरह के हैं और कितना कितना कमाते हैं, कैसे कमाते हैं, तो एक रियलिटी क्या है? यहां पर अभी 90% लोगों ने अपने हाथ उठाए कि हम 1,00,000 या उससे ज्यादा कमाना चाहते हैं और कमा सकते हैं, हम डिजर्व करते हैं। बट क्या एक्चुअल में 90% लोग 10 साल बाद लाख रुपए महीने का कमा रहे होंगे? कब तक सैलरी पे जिएंगे? अरे ये दर्दनाक आवाज कहां से आई? कब तक सैलरी पे जिएंगे? कहीं जॉब कर रहे हो आप आजकल? दिखाना जरा शक्ल, दिखाना कैमरे पे, आपके बॉस भी देखेंगे, देखो वो कहे कि हम तुम्हें आजाद करते हैं। अच्छा मजाक कर रहा हूँ, कोई नहीं। अब आप लोग बीच में कमेंट मारोगे तो मैं भी थोड़ी सी तो लूंगा आप लोगों की, है ना। हम यहाँ पे देने के लिए आए हैं। देखो मैं तो उस तरह का हूं नहीं, अगर आप में से कोई और है जिसका इस सब में इंटरेस्ट है तो आप इस सेशन के बाद में इनको संपर्क कर सकते हैं। तो अब हम कहां पहुंच गए थे? अभी हम कहां पे थे? देखो थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गए। हाँ, हाँ, रियलिटी क्या है कि यहां पर जितने लोग बैठे हैं उसमें से 90% ने अपने हाथ ऊपर करे थे कि वो 1,00,000 रुपए कमा रहे होंगे। रियलिटी क्या है? 10-20% ऐसे लोग होंगे जिनका ये ड्रीम अचीव होगा, ड्रीम पूरा होगा, बाकियों का ये सपना ही रह जाएगा। तो क्या आप उस 10-20% में आना चाहते हो? यस सर। यस और नो? यस सर। यस और नो? यस सर। आना सब चाहते हैं बट आ कितने पाएंगे? देखो चीख तो सारे रहे हैं, यहां पर पूरी जान लगा हुआ है, यस सर। बट एक्चुअल में आ कितने पाएंगे? हार्डली 10-20%। हाँ? जो डिजर्व करेगा वो आएगा। अब डिजर्विंग कैसे बनते हो आप? क्या एकदम से बन जाते हो? ओवरनाइट बन जाते हो कि रात को सोए और सुबह उठे एकदम से डिजर्विंग हो गए? ऐसा होता है? कैसे बनते हैं डिजर्विंग? कि अगले 10 साल में जो आप करने वाले हो वो डिसाइड करेगा कि आप डिजर्विंग हो या नहीं हो। क्या करने वाले हो मतलब अपने टाइम को कैसे यूज करने वाले हो?
कि अगले 10 साल में आप अपना जो टाइम है, जो लिमिटेड है आपके पास में, जो 10 साल है, ये एक तरीके से क्या हुआ, जैसे बिजनेस करते हैं तो एक अमाउंट होती है, एक कैपिटल होता है जिससे हम बिजनेस को शुरू करते हैं, तो एक कैपिटल हो गया, इसको कैसे इन्वेस्ट करते हो, कहां इन्वेस्ट करते हो, स्मार्टली करते हो, वाइजली करते हो, या बेवकूफों की तरह करते हो, या इसको वेस्ट करते हो, समझना ध्यान से। ऐसे बिजनेस में नहीं होता कि जो कैपिटल है उसको अगर ढंग से समझदारी से इन्वेस्ट किया जाए, प्रॉपर ब्रेकडाउन करके कि इतना पैसा इसमें लगाना है, इतना प्रोडक्ट में लगाना है, इतना मार्केटिंग में लगाना है, इतना डिस्ट्रीब्यूशन में लगाना है, अगर वो बंदा ढंग से प्लानिंग के साथ प्रॉपरली इन्वेस्ट करे, स्मार्टली इन्वेस्ट करे, तो चांसेस है कि जो उसकी कैपिटल है वो 10 गुना भी हो सकती है, 100 गुना भी हो सकती है, 1000 गुना भी हो सकती है। और अगर वो बेवकूफों की तरह इन्वेस्ट करे या उसको वेस्ट कर दे, पता लगा बिजनेस की कैपिटल उसने अलग करी थी और उससे अपनी अय्याशी कर रहा है, तो क्या होगा? जीरो। ऐसे ही टाइम के साथ में कि जो 10 साल है ये आपकी कैपिटल हो गई एक तरीके से, इसको आप कैसे इन्वेस्ट करने वाले हो, इसको आप कैसे यूज करने वाले हो, ये डिसाइड करेगा कि आप उस 20% में आओगे या नहीं आओगे। जिसने भी लाइफ में कुछ भी ढंग का किया है उसको ये कैलकुलेशन समझ आती है। वो क्या है, उसके लिए टाइम की वैल्यू पैसे की वैल्यू से बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर पैसा चला भी जाता है तो टाइम से आप वापस से पैसे को अर्न कर सकते हो, लेकिन अगर टाइम चला गया तो कितना भी पैसा खर्च कर लो, जो टाइम गया सो गया, वो वापस नहीं आने वाला। किसी भी चीज को अगर करना सीखना है तो क्रिकेट खेलना सीखना है तो क्या करना होगा, या एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेट खेलना है तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेटर्स को ऑब्जर्व करना होगा। बिजनेस करना है तो बिजनेस जो लोग कर रहे हैं ऑलरेडी, जो लोग सक्सेसफुल हैं, जो लोग फेल हो रहे हैं, उन दोनों को ऑब्जर्व करना होगा, दोनों से सीखना होगा और फिर बिजनेस को करना होगा। सिंपल। तो पहला स्टेप क्या है? ऑब्जर्वेशन। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या है? अंडरस्टैंडिंग, कि जो ऑब्जर्व किया उसको समझना भी पड़ेगा भाई, कि क्या ऑब्जर्व किया, कि अगर बिजनेस करना है तो दोनों तरह के लोगों को ऑब्जर्व किया, जो सक्सेसफुल हैं और जो फेलियर्स हैं, बारीकी से ऑब्जर्व किया, किस चीज़ को ऑब्जर्व किया, उनके एक्शंस को ऑब्जर्व किया, कि वो क्या करते हैं जो सक्सेसफुल लोग हैं, किस तरीके से काम करते हैं, वो किस तरह से बोलते हैं, और उनके थॉट्स को ऑब्जर्व किया कि वो किस तरह से सोचते हैं, उनका इस दुनिया को देखने का नजरिया किस तरह से अलग है उन लोगों से जो फेल हो रहे हैं, क्या फर्क है इन दोनों के नजरिए में, फर्क होता है? यस और नो? तो उसको आपने ऑब्जर्व किया। अब वो कैसे करोगे, जो भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं जिस भी फील्ड में आप काम करना चाहते हो उसमें आपको क्या करना है, जा करके उनकी बुक्स को पढ़ना है, उनकी ऑटोबायोग्राफीज को पढ़ना है, उनकी वीडियोज को देखना है, उनको बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना है। जब आप ऑब्जर्व करोगे उसके बाद में अंडरस्टैंडिंग का लेवल आता है, आपको समझना है कि इसमें से जो भी ये सही कर रहे हैं उसमें से क्या है जो आज आप अपनी सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हो। जरूरी नहीं है वो सब कुछ जो वो आज कर रहे हैं वो सब आप आज अपनी सिचुएशन में अप्लाई कर पाओ। तो जैसे ही आपको ये बात समझ आई, अब आता है तीसरा स्टेप कि आपको उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना है, छोटे से छोटे लेवल पे, मतलब कि उसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर हम अप्लाई ही ना करें, प्रैक्टिस ही ना करें, तो क्या होगा, कोई फायदा नहीं है, सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, कोई अंत नहीं है, सुनते रहो। मतलब कि अगर मेरा ये सेशन आप देख रहे हो, इसमें 1000 बातें मैं करने वाला हूं, इसमें से अगर आपने 2 बातें भी प्रैक्टिस कर ली तो बहुत है, कुछ बदलेगा ना, थोड़ा सा ग्रो कर गए ना। सो क्या किया आपने, आपने प्रैक्टिस किया, मतलब कि जो भी आपने सीखा, जो भी आपने समझा, उसको आपने प्रैक्टिस किया। और जैसे ही आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको 2 तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं, या तो अच्छे एक्सपीरियंसेस या बुरे एक्सपीरियंसेस, और इन दोनों एक्सपीरियंसेस से जब आप कुछ सीखते हो तो उसको बोलते हैं लर्निंग। ये है लर्निंग। लर्निंग की पूरी फाउंडेशन क्या है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ऑब्जर्वेशन। कि अगर आपका माइंड, जिसको आप प्रेजेंस ऑफ माइंड भी बोल सकते हो, प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि जब आप कुछ सीख रहे हो तो आपका माइंड पूरी दुनिया से हट करके उस जगह पर आ जाए, आपकी कॉन्सेंट्रेशन पूरी तरह से उस जगह पर हो, आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस जगह पर हो जिसको आप देख रहे हो, जिसको आप सुन रहे हो, आपका सारा ध्यान वहां होना चाहिए।